नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। भारतीय संस्कृति के अनमोल विरासत राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिव्य एवं ऐतिहासिक भूमि पूजन एवं शिला स्थापना कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय के नेतृत्व में दूरदर्शन के सीधे प्रसारण को देखा गया तथा जिला कार्यालय छावनी लाइन पर विद्वान ब्राह्मण उदय कुमार द्विवेदी के मंत्रोच्चारण के बीच श्री रामचंद्र जी का चित्र स्थापित कर श्रद्धा भक्ति से हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री प्रवीण कुमार सिंह, अच्छेलाल गुप्ता, सुरेश बिंद, गोपाल राय, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, आईटी संयोजक कार्तिक गुप्ता, गर्वजीत सिंह कुक्कू, शैलेंद्र सिंह, मनोज बिंद, जितेंद्र पांडे, सुनील यादव, अशोक मौर्य, जितेंद्र कुमार, महेंद्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर के रेवतीपुर ग्राम पंचायत में रामलीला मैदान में राम चबूतरा पुनर्निर्माण, टिन शेड इंटरलॉकिंग एवं नाट्यकला रंगमंच सहित अन्य सुंदरीकरण का कार्य लाखों की लागत से पूरा हो गया था। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर रामलीला मैदान में हवन पूजन का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पूरे विधि विधान से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार शर्मा ने तीर्थ पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर इसको ग्राम प्रधान पंचायत को सुपुर्द किया। इस मौके पर सुभाष चंद्र राय, सत्येंद्र तिवारी, महंत निर्मल दास, जय प्रकाश पांडे, शशांक, शशि राय, चुन्नू चौबे, कमला पांडे, शशिकांत राय आदि मौजूद रहे। गाजीपुर के जमानिया में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को देखते हुए शांति व्यवस्था की दृष्टि से कोतवाली पुलिस चौकन्ना रही। क्षेत्राधिकारी सुरेश शर्मा के दिशा निर्देशन में कोतवाल राजीव कुमार सिंह सुबह ही पुलिस कर्मियों के साथ सड़क पर उतर गए। ब्लॉक तिराहा, पांडे मोड़, सट्टी बाजार सहित रेलवे स्टेशन, गांधी चौक, सब्जी मंडी, संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में चक्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वाहनों के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के साथ ही उनकी तलाशी भी ली गई। चक्रमण में स्टेशन चौकी इंचार्ज अनिल कुमार पांडे, एसएसआई मंशाराम गुप्ता, उप निरीक्षक संतोष कुमार, कांस्टेबल सुजीत सिंह, बलवंत सिंह, अखंड कुमार, रत्नेश, विनोद भारती, राधेश्याम आदि पुलिस के जवान शामिल रहे। मंगलवार की देर शाम सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर जब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी तो उन्होंने इसकी जानकारी वाहिनी जिलाध्यक्ष अमित सिंह को दी। इसके बाद जिलाध्यक्ष ने मंगलवार की देर रात थाना में नामजद तहरीर दी। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक शरद चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार की सुबह 11 बजे गाजीपुर के छोटका मरदह निवासी आरोपी राहुल यादव को उसके घर से गिरफ्तार करते हुए उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया गया। अयोध्या में लगभग 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि का पूजन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा गाजीपुर द्वारा विकास भवन में कर्मचारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर बालेंद्र त्रिपाठी, बबलू, अजमत, गोविंद, मानधाता सिंह, अनिल, राजेश श्रीवास्तव, रवि सिंह, अश्विनी, राम धनी, ब्रिजेश, विनोद कुमार, रमेश कुमार, मनोज, जितेंद्र कुमार, हीरा आदि लोग मौजूद रहे। ऐसी ही और भी हमारी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।